नमस्कार साथियों, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैसेज करके बताएं। आ रही है आवाज। ये नहीं हुए अभी। टाइप 4 चल रहा है? कौन सा चल रहा है अभी? 14 ये हो गया था, 14 हो गया था। फिफ्टीन हो गया था, ये भी हो गया है। 60, 19 हो गए हैं। 20 कराना है क्या? चलिए, उन्नीस भी हो गया है, इसका मतलब 20 कराना है। चलिए साथियों, क्वेश्चन हमारा आ गया है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। सर, लास्ट वाले क्वेश्चन रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट इतनी भयंकर अंग्रेजी लिखते हैं कि अंग्रेज बेचारे सोच रहे होंगे बढ़िया है, निकल आए। नहीं तो जो हाल इन्होंने अंग्रेजी का किया है वही हमारा कर देते। लास्ट वाला क्वेश्चन रिपोर्ट करना है। देखो भैया, लास्ट वाला क्वेश्चन रिपोर्ट कर देते हैं। देखिए साथियों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो जिनको जिनके ट्यूबलाइट थोड़ी बहुत जलेगी उनको ही समझ में आएगा। बाकी रिपीट करवा लें चाहे रिपोर्ट करवा लें, कुछ होना जाना है नहीं। सबसे पहले आपने कहा कि ये हमारे पास है 100 की घात, कितना है ये? तो साथियों, आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये लिखा हुआ है 100 टू द पावर 1, ठीक है ना। ये जो 100 टू द पावर 1 है, इसके बाद हम लेंगे 95 टू द पावर 6, और इसके बाद लेंगे हम 90 टू द पावर 11, और इसके बाद लेंगे 85 टू द पावर 16, और इस तरीके से ये सिलसिला जाएगा और लास्ट में आएगा हमारे पास 5 टू द पावर 96। अब जिनकी बत्ती जल जाए वो मान लेना, जिनकी नहीं जले वो छोड़ देना। आपने कहा इन सब में कम से कम एक पान है, पांच है, तो आपने कहा ये इसमें एक है, इसमें 6 है, इसमें 11 है, और इसमें 16 है, और इसमें डायरेक्ट जाके क्या आएगा, 96। अब यहां हमारे पास एपी एक सीरीज होती है, एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इसका जो योग होता है, योग क्या होता है? तो भैया योग होता है हमारे पास n/2, और ये होता है a+l। यानी a क्या है, n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। a का मतलब होता है प्रथम पद, और l का मतलब होता है अंतिम पद। ये सारी की सारी बातें, एपी क्या है, जीपी क्या है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा के डाल दी है। आप यूट्यूब पे एक बार देख लेना, यूट्यूब पे मैंने एपी जेपी पढ़ा के डाल दी, आप देख सकते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
अगर आपने कहा एन बराबर क्या होता है, तो एन माइनस के ए और अपॉन डी और प्लस वन, तो भैया आपने कहा एल के बारे में चर्चा होगी, ए के बारे में चर्चा होगी, डी क्या है, तो इसको लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वांतर। ये क्या है? सार्वांतर। इसको कह देते हैं सार्वांतर भाई, इसको कह देते हैं सार्वांतर। अब अगर आप देखेंगे इसमें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहेंगे, तो हमने कहा कि भैया यहां क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले इनका योग देखना है, तो क्या आएगा? तो सबसे पहले आप एन पता कर लें कि एन क्या आएगा, तो एल और माइनस के ए और अपॉन डी, तो कितने का अंतर है? पांच का, तो ये पांच और प्लस वन, तो 95, और ये आ जाएगा 20। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, ठीक है भैया। इसके बाद मैंने देखा था कि यहां क्या क्या और एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो आपने कहा कि 100 की घात में एक एक्स्ट्रा पांच कहाँ आएंगे, तो आपने कहा ये 100 की घात हमारे पास ये है, तो इसमें आ जाता है 4 गुना 5 गुना 5, तो यहां से हमने एक यहां काउंट कर लिया, यानी एक पांच अभी यहां बचा हुआ। फिर आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 75 की घात, हमारे पास 26 आएगा, ये 75 to the power 26 आएगा, तो ये 5 की घात 26, 5 की घात 26 दो बार आएगा, तो 1 26 तो कहीं यहाँ आ गया होगा, 1 26 बचा हुआ है। इसी तरीके से 50 की घात जब 51 आएगा, तो इसमें भी 5 की घात 51 × 5 की घात 51 दो बार आएंगे, तो 51 यहां आ गया, और ये 51 इसके बाद हमारे पास आ जाएगा। 25 की घात कितना आएगा? तो 76 आएगा, तो 5 की घात 76 और × 5 की घात 76, तो ये भी मैंने बताया था, तो ये 76 आ जाएगा भाई। आपने इनको जोड़ लिया, इनका योग क्या आएगा? तो n/2, और प्लस क्या है? एल एल प्लस ए, यानी हमने कहा n/2। और ये जो अभी आपको फॉर्मूला बताया है, अभी जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था? एल प्लस ए ये बताया है, ठीक है ना, तो एल क्या है? 96, और ए क्या है? एक, तो ये हो जाएगा 97 भाई। इसको यहां से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 930, हाँ या ना, 970। अब आपने कहा एक्स्ट्रा पांच और मिले थे आपको कहीं, तो आपने कहा मिले थे, तो इनको अगर मैं जोड़ लेता हूं, तो ये 6 और 5, 6 और 1 7, 7 और 1 6, 7 × 2 = 14 हो जाएंगे, ये कितना आएगा? 7 और 7 = 14, 1 बच गया, 7 और 5 = 12 और 2 = 14 और 1 = 15, 154 एक्स्ट्रा आ गए, तो 154 को हम यहां ऐड कर देंगे, तो 4 12 और 1 11, इस तरीके से आ जाएगा, ये कितना? 1100 इतना, ठीक है ना। आज हिंदी दिवस है, आप सभी को हिंदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑफलाइन कब से चलेगी? जहां तक मेरा अनुमान है कि ऑफलाइन का अभी कोई हिसाब किताब मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है, बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि अभी चुनाव है, तो नेता कोई भी आत्मघाती फैसला ले सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, जिस दिन आ जाएगा कि आप पढ़ा सकते हैं, उस दिन से हम पढ़ाने लगेंगे, जब तक नहीं आता है फालतू बातें करने से कुछ होगा नहीं। चलिए भैया, यानी यहां आपसे कहा गया है, देखिए आपसे कहा गया है इसमें कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले 5 को पकड़ो, तो यहां 5 मिल जाएगा, यहां 5 मिल जाएगा, सबसे पहले 5 की जगह क्या है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये और ये, तो भैया अगर मैं देख लेता तो यहां भी 5 होगा, ये और ये 5 के ठिकाने हैं, ये यहां आपने का कितना बनेगा? 4। देखिए आपने का यहां कितना बनेगा, तो ये बन गया कितना? 4। यहां कितना बनेगा? 8। यहां कितना बनेगा? 12। यहां कितना बनेगा? तो आपने का 20, 16। यहां आपने का पावर 4 है, यहां पावर कितना है? 8 है, यहां पावर कितना है? 12 है, यहां पावर 16 है, यहां पावर 18 है, और यहां पावर 20 है, तो 20 और 20 दो बार आ जाएगा, तो भैया इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं,
तो ये 40 ये 58 58 और ये 16 74 74 और 12 86 86 और ये 98 आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 98 आ रहे हैं। अगर मैं यहां से जोड़ दूं तो ये 8 और 4 20 12, 8 और 4 ये 20 और ये 20 40 और 40 और 40 80 80 और 18 98 आगे, ठीक है ना। अब आपने कहा दो को जोड़ना पड़ेगा क्या भैया, दो की कमी दिख रही है क्या अभी? तो अगर आपने कहा ये तो नंबर ऑफ फाइव हो गए, नंबर ऑफ फाइव। अब भैया नंबर ऑफ टू देखें, नंबर ऑफ टू कहां कहां है? नंबर ऑफ टू तो सबसे पहले आपने देखा कि यहां कितने मिलेंगे, तो ये दो हैं। यहां कितने मिलेंगे, तो 6 दूने 12 मिलेंगे, यहां 8 मिलेंगे, यहां 10 मिलेंगे, यहां आप देखेंगे तो 14 गुना 3 42 मिलेंगे, और यहां देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16 दूने 32 मिलेंगे, यहां 18 मिलेंगे। इस तरीके से मैं देख लूंगा, अगर एक अंदाजे से लगा ही लूं तो ये दोनों मिलके 60 हो जाएंगे, और ये 60 और ये हो जाएगी 92। ये 92 अगर हो जाएंगे तो ये मोर देन 98 है, 98 से ज्यादा होंगे, 98 से अधिक है, से अधिक है। और अगर 98 से अधिक है तो आपने कहा नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो की जो बात होगी वो कितनी आएगी, 98, क्योंकि टू की पावर है, यानी टू है वो 98 से ज्यादा है। ठीक है भैया, आपने कहा बात तो हमें समझ में नहीं आई, कैसे आई ये दो? तो देखिए ये 2 की घात 2 है, इसमें 2 कितने आएंगे, तो आपने कहा 2। ये 4 की घात 6 है, आप भैया इसको लिखेंगे 2 की घात 2 और की घात 6, तो इस तरीके से इसमें 12 निकलेंगे। 2 की घात कितने निकलेंगे, 12। ठीक है, ये नंबर ऑफ कितना है, ये नंबर ऑफ 5 और ये नंबर ऑफ 2। ठीक है भैया, ये नंबर ऑफ 5 और ये नंबर ऑफ 2। अब आपने कहा यानी 4 की घात 6 में ये 12 निकल आई, फिर आपने कहा 10 की घात, ये लिखा हुआ है 10 की घात 8, तो इसमें 2 की घात 8 और 2 की घात 5 आएंगे। फिर आपने कहा कितना है, 6, तो 6 3 दूने 6, हाँ या ना? तो 6 में कितने लिखेंगे, 6 की पावर कितनी है, 10, तो यहां 10 निकल आएंगे, हालांकि 10 ये भी आएंगे लेकिन हमें तो 2 से मतलब है। फिर आपने कहा 15 में नहीं निकलेंगे, लेकिन 8 की घात जो 14 है ना, तो 8 की घात 14 है, तो इसको लिखेंगे 8 की घात 3 और की घात 14। ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनका क्या है कि बत्ती नहीं जल रही है कि 42 कहां से आ गया, तो वो ऐसे देखेगा। अब आपने कहा 8 की घात 14, अब आपने कहा 20 को देखेंगे, तो भैया 20 का मतलब क्या होता है, तो ये जो आपका 20 है, 20 की घात कितनी है भैया, 16। 20 की घात 16 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 1 गुना 5 यानी ये, और की घात 16। तो भैया 16 अगर यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूने 32 और ये 5 की घात 16, हाँ या ना? जिनको नहीं दिखता है तो आपको यहां तक 32 तक बता दिया। अब केवल केवल क्या बचा, 32 तक हमने निकाल दिया है, तो अब बचा क्या है भैया, तो ये बचा है 10 की घात 18, यानी 2 गुना 5 की घात 18 है, इसको 10 की घात 18 यानी 2 की घात 18 और ये 5 की घात 18। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में या नहीं आ रही है? कुछ बच्चे हैं, आकाश त्यागी 80 पे रह गया, सजल भी 80 पे रह गया, लेकिन पहुंचना 98 पे था। जो जो बच्चे 80 पे रह गए उन्होंने कौन सा छोड़ दिया, जो दो बच्चे 80 पे रह गए उन्होंने क्या छोड़ दिया? एक तरीका सीधे सीधे ये भी हो जाता, एक तरीका सीधे सीधे बचने का, थोड़ा सा बचने का तरीका क्या हो सकता था? देखिए इस तरीके से मैंने सारे ये दो बता दिए, अगर हमें ये पता है, हमने कहा ये डायरेक्ट 0 दिख रहे हैं, यहां इसको हटा दो, ये कितना है, 10 है, ये 20 है और ये 10 है, तो भैया यहां तो 0 इन्होंने डायरेक्ट बना लिए, यानी 8, यहां तो इन्होंने डायरेक्ट 0 बना लिए, कितने, तो ये जो डायरेक्ट बनते हुए दिख रहे हैं वो कितने हैं, तो डायरेक्ट बन रहे हैं 8 और 16 और 18, यानी ये डायरेक्ट बन गए हमारे पास कितने, तो ये जो डायरेक्ट बन गए हैं वो कितने हमारे पास, तो इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 और ये 52 हो रहे हैं मुझे लग रहा है, या 42 हो रहे हैं, तो ये 42 तो डायरेक्ट ही बन गए भैया। यानी आपने कहा कि ये कितना है 8 और ये 24, 24 और ये 42। अब आपने कहा 5 की ढूंढाई करो, तो ये 5 कहां कहां मिलेगा, तो आपने कहा 5 यहां मिल जाएगा 40, ठीक है ना, और 5 कहां मिलेगा, तो यहां मिल जाएगा, तो यहां मिल जाएगा कितना, 15 12, सॉरी घात कितनी है यहां, 12 है,
तो यहां मिल जाएगा 12। तो आपने कहा यहां से 5 गायब हो गया यहां से, और यहां मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 52 और ये 6 58, तो 58 5 है ये, तो 58 2 अभी होंगे क्या? तो आपने कहा कि 42 2 तो यही हो गई, ये तो नंबर ऑफ 5 हो गए, नंबर ऑफ 5 हो गए, ये नंबर ऑफ 5। अगर आपने कहा नंबर ऑफ 2 ढूंढना है, तो हमने कहा कि हमें केवल 58 लाना है, तो 42 तो यही देगा, ये कितना आएगा, ये दे देगा 42। अब आपने कहा ऐसे ही किसी और को पकड़ लो, ये कितना दे देगा, तो 12 ये दे देगा, तो 54 तो इन दोनों ने दे दिए। फिर आप इससे मांग लो तो 10 ये दे देगा, 10 इससे भी ले लिए, तो आपने कहा ये हो गया 52 और ये ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया 42। 42 ये थे 0 और ये 58, ये 58 नहीं होंगे, 56 होंगे, ये कितने थे, 56 थे, ये हमारे पास 56 थे, तो ये आ जाएगा 98, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 98, ठीक है। दस की घात तो 18 है सर, 10 तो थे पावर 18। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, आप जानते हैं 21 पे, भैया क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखते हैं कि 21 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए ये काटने पे प्रयोग चल रहे हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बनाने पे, आपको जो कलर अच्छा लगे उस पे मोहर लगा देना अपनी फाइनल वाली। देखिए भैया पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, जब आपको बातें समझ में आ जाए तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ 5 कहां कहां मिलेंगे इन पर चर्चा करते हैं, यहां मिल गया एक, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा और यहां मिल जाएगा, तो भैया 5 को ऐड कर लो, तो पहले 5 कितने हैं हमारे पास, 2, फिर कितने हैं 4, फिर कितने हैं 6, फिर कितने हैं 8 और फिर कितने हैं 10, तो ये 18 और 6 24, 24 और 6 30 हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 30 हो रहे हैं, आपको भी लगना चाहिए 6 और 6 12 8 20 और ये 30 हो गए। अब आप देखा नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2, तो आपने कहा कि पहले कितना है, तो ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, यहां बात रुक जाती है 9 पे, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 24, तो 2 कितने हैं 24 मेरे साथियों, यहां 2 कितने हैं 24, तो अंत में शून्यों की संख्या बताएं, ये 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 18 और ये 25 हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं 25 हो रहे हैं, आप जरा देखिए 25 ही हो रहे हैं क्या, तो आपने कहा कि 2 टू दी पावर कितना आ गया 25 और इंटू 5 टू दी पावर 30, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जीरो आएंगे, कितने आएंगे 25 जीरोस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जीरोस आएंगे, ठीक है भैया 25 जीरोस आएंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है, देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। देखें ये जो काटा जा रहा है कलर कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस के, तो आप बताना कि इनमें से कौन सा ठीक है आपके लायक। देखिए चलिए आपसे कहा गया है कि इतना लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें कितने जीरो आएंगे। इसको जानने से पहले कुछ बातें हमें जाननी चाहिए। ये लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 और ये लिखा हुआ है +8 और प्लस लिखा हुआ है 10। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 4 9, 9 और 3 12, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी n और इंटू n+1/2, तो ये आ जाता है हमारे पास 15 दूने 30। 15 दूने कितना आ जाएगा भाई, ये तो 15 दूने ये 30 आ जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे कहता है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 2 × 4 × 6 × 8 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये बड़ा हो रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 × 4 × 6 लिखा हुआ है मेरे भाई, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये 1, 2 और ये 3। वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट अगर क्या है देखते तो कितना आता, ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 4 = 24 और ये 48। लेकिन आपने यही अप्रोच लगाई तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 2 = 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो भाई आप देख रहे हैं कि वैसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, और ऐसे हमने जुगाड़ लगाने की कोशिश की तो 12 आया। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई होता है उसमें इस तरीके से आप कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए ये गलत हो गया। तो आपने का क्या करते कि ये लिखा हुआ है 2 × 4 × 6, मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 × 1, फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको लिख सकते हैं 2 × 3, कहो हाँ या ना। अब आपने कहा कि ये 1, 1 और 1 इन तीनों को ले लिया तो ये आ जाएगा 2 की घात 3, फिर आपने क्या बच गया, 1 × 2 × 3 ये बच गया। तो भाई अब आप इसको देखेंगे ये 8 और ये आ जाएगा 6, और इस तरीके से अगर ये 8 है ये 6 है तो ये आ जाएगा 48। मेरे साथियों ये छोटी सी बात है लेकिन बड़े ही काम की है, हम कभी कभी गलती में इस तरह से कर जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दिया बेटा, तुझे लग रहा है अगर कुछ और बच्चे बताएंगे कि 22 का 11 है तो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दिया होगा तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, देखिए साथियों अगर मैं आपसे ये कहा है कि ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 10, ये लिखा हुआ है 15, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 5 × 1, ये लिखा हुआ है 5 × 2, ये लिखा हुआ है 5 × 3 और ये लिखा हुआ है 5 × 4,
मेरे भाई, ये एक दो तीन चार घातें जुड़ जाएंगी तो ये आ जाएगा 5 की घात 4। अब आपने कहा क्या बचेगा, 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4। तो यानी भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ये लिखा हुआ है, हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, और ये लिखा हुआ है हमारे पास 95 तक जा रहा है मेरे भाई, अगर ये 95 तक जा रहा है तो आप ये कहेंगे कि ये 5 गुना 1 है, ये 5 गुना 2 है, तो आपने कहा ऐसे ही ऐसे जाएंगे तो ये 5 गुना कितना आएगा, 95। मेरे साथ ही तो यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, यानी 19 बार 5 होगा, तो ये 5 की घात 19 तो बाहर आ गई। अब आपने कहा 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा, 19। इसी तरीके से मान लीजिए कभी ये लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50, और ये लिखा हुआ है 60 गुना 70 गुना। ये तो मेरे भाई इसको आप लिखेंगे 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 10 गुना 4 10 गुना 5 10 गुना 6 और 10 गुना 7। इस तरीके से तो आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7 तो हमने आगे लिख दिया। अब क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर कहीं ये लिखा जाता है कि ये लिखा हुआ है 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 और ये लिखा हुआ है गुना 80, तो मेरे भाई यहां आपने देखा कि ये लिखा हुआ है हमारा 10 गुना 1 और ये लिखा हुआ है हमारा 10 गुना 8। तो भाई ये 8 बार हो रहा है, तो 10 की घात 8 तो ये आ गई, ये आएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना, और ये कहां आएगा, 8। अगर कहीं ये लिखा हुआ है हमारे पास ये 10 और गुना 20 गुना 30 गुना 40 और ये लिखा हुआ है मान लीजिए 280, तो साथियों ये लिखा हुआ है 10 गुना 1 और ये लिखा हुआ है 8 गुना 1, तो यहां हम 10 की घात 28 और ये 1 2 3 4 5 6 और ये जाएगा हमारे पास 28 तक। आशा है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है साथियों, ये बात आपको समझ में आनी ही चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये बात समझ में आई गई है, तो अब इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या था, ये देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 22। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप मुझे परेशान कर डालेंगे, अगर छूट गया है तो बता देते हैं। चलिए 22 को देख लेते हैं, ये 22 ही तो आ गया यार, कहाँ भूल रहे हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करा रहे थे, चलिए देखो साथियों, आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ था हमारे पास 5 गुना 10 गुना 15 और ये लिखा हुआ हमारे पास 75। मैं कह सकता हूं ये 5 गुना 1 था, फिर ये 5 गुना 2 था, और इस तरीके से हम चले गए तो 5 गुना कितना था, ये 15। मेरे भाई यहां आप देखेंगे तो ये 15 तक है, इसके साथ 5 है, इसके साथ 5 है, तो 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 5 के साथ 15 के साथ है, तो ये 5 की घात 15 कॉमन आ गया। यहां क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 और भाई मेरे जा रहा है ये 15 तक, तो इतना तो तय है कि अब हमारे पास, मैं नंबर ऑफ टू की बात करता हूं कि नंबर ऑफ टू कितने हैं, नंबर ऑफ टू साथियों ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 15 तक हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 15 को 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। 7 को भाग दे दो 2 से तो कितना आएगा, 3। 3 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को और भाग नहीं दिया जा सकता, तो नंबर ऑफ टू कितने आएंगे, नंबर ऑफ टू
इज 11, नंबर ऑफ टू इज 11। भैया अगर आप इसमें देखेंगे तो पांच कितने आ जाएंगे, तो 5 की घात 15 तो यही है। अब आपने कहा ये कहां मिलेगा, तो अब आप देखेंगे इसमें कि अगर इसमें 5 देखें, नंबर ऑफ फाइव वैसे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे बताना है तो 5 गुना 3 15 फिर भाग जाएगा क्या, नहीं। तो आपने कहा 3 और मिल जाएंगे, तो आपने कहा 5 की घात 3 और आ जाएंगे और ये 2 की घात 11। मेरे भाई ये आ जाएगा 5 की घात 18, ये आ जाएगा 5 की घात 18 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 11। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 11 0 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 11 0 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 11 0 आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी को किसी तरह की भी अगर परेशानी है तो मुझे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे के क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। किसी भी भाई बंदी को कोई भी परेशानी है तो जल्दी से जल्दी पूछ लें। किसी को कोई भी परेशानी है, नंबर सिस्टम कितने दिन और चलेगा बेटा? जिनको भी परेशानी है, ऐसा लग रहा है कि नंबर सिस्टम से परेशानी है, तो दूसरे बैच में अपना एडमिशन कन्वर्ट करा लो। देखिए चीजें मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आपको अगर किसी तरह की परेशानी है फिर आपको क्या है, कहीं मैंने इसमें एलजेब्रा पढ़ाया तो आप कहेंगे एलजेब्रा कितने दिन और चलेगा, त्रिकोणमिति पढ़ाई तो त्रिकोणमिति कितने दिन चलेगी, ज्योमेट्री पढ़ाई तो ज्योमेट्री कितने दिन चलेगी। तो मेरे साथियों जिनको भी ऐसा लगता है कि हमें ये चीजें नहीं चलेंगी, हमें तो अर्थमेटिक पढ़ना है, तो जो दूसरा बैच चल रहा है उसमें कन्वर्ट करा लो, हम अभी कर देंगे। कौन कहा मेरा, देखिए चलिए साथियों, ये आ गया है आपको 3 की पावर, 5 की घात 3 कहां से आई, 5 की घात 3 कहां से आई, इसमें आप देखेंगे क्या आया होगा, 5 आया होगा, इसमें आगे 10 भी आया होगा और आगे 15 भी आया है। तो 1 5 इसका, 1 5 इसका और 1 5 इसका अगर समझ में आ जाए तो आप कमेंट कर देना कि 5 की घात 3 कहां से आई, 15 तो ये क्लियर आ गया, 15 तो ये रहा यहां से। अब आपने कहा ये 1 से लेके 15 तक का मल्टीप्लाई है, अगर 1 से लेके 15 तक का मल्टीप्लाई है तो इसमें 5 भी आया होगा, 10 भी आया होगा और 15 भी आया होगा, कहो हाँ या ना, आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक है, तो आपने कहा ये कहां से आया, तो इसमें 5 आया होगा, इसमें 10 भी आया होगा और इसमें 15 भी आया है, इसके बीच में भी रहा होगा 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। आ गया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, तो छूट कैसे गया, अभी मैंने 23 पे तो पहुंचा ही हूं तो 22 छूट गया, अजीब लोग हैं भाई, अजीब लोग हैं। साथियों ये लिखा हुआ है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या आएगी, तो ये लिखा हुआ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 और ये लिखा हुआ है 200। मेरे भाई इसको कह सकते हैं हम 2 गुना 1, इसको कह सकते हैं 2 गुना 2, इसको कह सकते हैं 2 गुना 3, साथियों इसको लिख सकते हैं 2 गुना 100। तो मेरे भाई यहां 2 आएगा, यहां 2 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है और यहां आ रहा है, तो 2 की घात 100 तो आ जाएगा आगे और ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये जाएगा कहां तक, 100 तक। मेरे भाई यहां 2 की संख्या 100 है और 2 इसमें भी आएंगे, तो आपने कहा 1 से 100 तक,
एक से 100 तक के मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? एक से लेके अगर 100 तक का मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल ऑफ 100, और एक से लेके 100 तक है तो नंबर ऑफ 5 देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 क्या होंगे मेरे भाई? तो एक से लेके 100 तक में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे? 24, देखने की जरूरत नहीं है, आपको बताया जा चुका है। तो यहां आपके पास 2 की घात 100 और प्लस और भी आएंगे, और इंटू 5 की घात कितना आएगा? 24, क्योंकि ये 2 की घात 100 है, फिर इसमें भी बहुत सारे 2 होंगे, क्योंकि हमें और 2 की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यही 100 बैठे हैं, और ये प्लस इसलिए लगा दिया कि इसमें और भी बहुत सारे 2 घूम रहे हैं। अगर इसमें बहुत सारे 2 और भी घूम रहे हैं तो मेरे भाई इसमें जो नंबर ऑफ 0 है वो 24 आ जाएंगे। ठीक है साथियों, अरुण सिंह, कॉमन से नंबर ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ 2 की जीरोस का पता लगा सकते हैं? कॉमन से नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2 का पता लगा सकते हैं? किस तरह के कॉमन की बात कर रहे हो बेटा? मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूं। आशुतोष को मेरी आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष, कुछ परेशानी हो सकती है आपके साथ, ठीक है ना? आगे देखिए, पहले तो ये जान लो कि ये कॉमन नहीं है, ये जो 100 आ रहा है वो कॉमन नहीं है, ये जोड़ा है, एक दो तीन और ये यहां 100, यानी ये जोड़ा है, ये कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये। ठीक है साथियों, और आपको मैंने हर चीज पहले डिटेल में बताने का पूरा भरकस प्रयास किया है, उसके बाद भी आपको कुछ परेशानियां हैं तो निश्चित तौर पे हो सकती हैं। जो चीजें बताई जा रही हैं पहले उन पे फोकस करो, जो चीजें बताई जा रही हैं उनको समझो, बाकी ज्ञान बाद में क्या है कि जो भी कंफ्यूजन होते हैं आपको, जो पहले बताया जा रहा है उसमें कंफ्यूजन ढूंढो कि इसमें कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है। अभी अपना दिमाग चलाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, अपना दिमाग चला के तो आपका साइज इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तब से तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाएं, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ें, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर है 24, चलिए भाई 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये बेटा ये बता देना आप कौन सा डन करें, ये 24 को अलग तरीके से काटा है, तो ये जो है बहुत दिनों से हम इसी पे प्रयोग कर रहे हैं कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है जो आपके दिल को छू जाता है, जो आपके दिल की गहराइयों में उतर जाता है, उस कॉम्बिनेशन की तलाश है मुझे, तो जैसे ही वो मिल जाए तो आप मुझे बताना। ठीक है भैया, ये मैंने बताया था कि ये लिखा हुआ हमारे पास 10 गुना 20 गुना 30, और साथियों ये लिखा हुआ हमारे पास 80। आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ है 10 गुना 1, फिर आएगा 10 गुना 20। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको इतना जितना मैं लिख रहा हूं नहीं लिखोगे, आप इसको डायरेक्ट करेंगे, आपने कहा 1 10 यहां है, 1 10 यहां है, 1 10 यहां है, इस तरीके से 8 10 तो यही मिल गए, और फिर कितना आएगा? 1 गुना 2 गुना 3 और गुना आ जाएगा 8। मेरे भाई यहां से मिलेंगे 8 0, 8 0 तो यहीं से मिल गए। अब आपने कहा यहां कितना है, तो इस पूरे के पूरे में आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे में क्या है, 1 5 आएगा, यहां 4 और ये 5, इसके बाद कोई 5 नहीं मिलेगा, और इसका जोड़ा किसी से भी बना दोगे तो 1 0 यहां भी आ जाएगा, तो साथी मेरे इस तरीके से आप कितने 9 0 ले आएंगे, इस कॉम्बिनेशन में कितने 0 ले आएंगे? 9। किसी तरह की कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन कौन सा आपके दिल को छू रहा है वो जरूर बताएं। ठीक है ना, ये अभी प्रयोग चल रहे हैं, जहां आप लोग समर्थन कर देंगे वहां हम रुक जाएंगे। आगे देखिए, चलिए सुमन जी का आंसर आ रहा है, आशुतोष का भी उत्तर आ रहा है, आकाश त्यागी, देवेंद्र कुशवाहा, जाहिद खान, कविता,
चलिए यह देखिए, समझ नहीं आया, ये वाला नहीं आया समझ। ये समझ नहीं आया भैया, इसको समझने में कुछ था ही नहीं। मैंने बताया है कोई संख्या लिखी हुई हमारे पास 10 की घात 1, इसका मतलब इसके लास्ट में 1 0 होगा। अगर कोई संख्या लिखी है 10 की घात 2, तो मेरे साथ ही इसमें 10 की घात 2 लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट में अगर इसको करेंगे तो 2 0 होंगे, यानी जितनी पावर उतने 2 0। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 की घात, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं कहूंगा तो इसको 2 3 4, इसको 10,000 लिखेंगे, लास्ट में कितने 0 है ये। अगर कहीं लिखा हुआ है 10 की घात 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस संख्या को लिखेंगे तो इसके लास्ट में कितने शून्य है, तो इसके शून्य 8 हैं। ये बात बड़ी ही आसान है, ठीक है ना। अगर ये आसान बात है तो आप इसको समझ सकते हैं, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ परेशानी है ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है, इसको तो मैं पूरा भी लिख सकता था कि ये लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ था हमारे पास 10 गुना 20 गुना 30, और भाई ये लिखा हुआ है हमारे पास 80 तक। मैं इसको 10 गुना 1 लिख सकता हूँ, फिर 10 गुना 2 भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 3 भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 4 भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 5 भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 6 भी लिख सकता हूँ, 10 गुना 7, और ये 10 गुना 8। मेरे भाई यहां से ये 1 पावर 1 पावर 1 पावर 3 4 5 6 7, और ये 8, तो 10 की घात 8 ये आ गया। इसके बाद क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई यहां से तो हमें क्या है कि एक ने इसने दे दिए 10 की घात 8, का मतलब क्या हो गया, 8 0 हो गया। हाँ या ना, ये हमारे पास 10 की घात 8 है। अब आपने कहा यहां कितना निकलेगा, तो भैया इस पूरा का पूरा कितने 0 देगा, तो 0 की बात इस पर डिपेंड करती है कि इसमें 5 कितने हैं। तो मेरे भाई इसमें 5 कितने हैं, 1, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर इस 5 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दें, 4 से कर दें, 6 से कर दें, 8 से कर दें, तो ये 1 0 दे देगा। इस तरीके से ये आ गया 10 की घात 9, और 10 की घात 9 का मतलब कितना आएगा, 9 0। 10 की घात 9 का मतलब क्या आएगा, 9 0। किसी भी तरह का डाउट है तो आप जल्द से जल्द पूछ लिया करें, किसी भी तरह का डाउट है तो जल्द से जल्द पूछ लिया करें, ठीक है भाइयों, उसमें किसी तरह की कोई देरी ना करें। चलिए आगे देखिए भाई, अगर मैं यहां देखता हूं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़िए, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, यह देखो एक और कटने का हुआ, ये ले लीजिए, व्हाइट आ गया है आपके लिए, व्हाइट अक्षरों में डाला है, लेकिन आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये आप लोग नहीं बता रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक था आप ये चीज बताएंगे, ठीक है मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को अगर मैं देखता हूं, तो इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 10 गुना 20 गुना 30, और भाई मेरे ये लिखा हुआ हमारे पास 1000। यहां लिखेंगे हम 10 गुना 1, ये 10 गुना 2, और ये 10 गुना 3, और यहां देखेंगे हम ये 10 गुना 100, 1000। तो भाई मेरे ये सब में इसके साथ भी 1 10 है, इसके साथ भी 1 10 है, इसके भी साथ है, तो ऐसे 100 लोगों के साथ 100 10 होंगे, तो ये आ जाएगा 100 की घात 10, और ये बचेगा हमारे पास 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100। तो मेरे भाई 1 से लेके 100 तक की ये संख्याएं हैं, तो आपने कहा इसने तो 0 दे दिए, कितना 10 की घात 100, यानी 100 0। अब आपने कहा 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बार 5 आते हैं, यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 5 आते हैं। इस तरीके से ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 124, और 10 की घात 124 का मतलब होता है 124 0। 10 की घात 124 का मतलब क्या होता है, 124 0।
ठीक है मेरे भाई, आ रही है आपको बात समझ में? हाँ या ना? आ ही रहा होगा। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन पे कोई नहीं बोलेगा, नीला व्हाइट कॉम्बिनेशन सही है। चलो कोई तो, तुमने बदले हमसे गिन गिन कर लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। ये आ गया भाई लोगों समझ में? जब बात आपको समझ में आ जाती है तो ये कैसे किया जाता है, ये कितना है? आपने कहा कि ये 10 गुना 1 है, ये 10 गुना 2 है, और ये सिलसिला चल रहा है, तो ये कितना आएगा? 10 गुना 100। इसका मतलब आ जाएगा ये 10 की घात 100 गुना 1 2 3 और ये 100। मेरे भाई आप देखेंगे कि यहां कितना देगा, ये 100 जीरो देगा और ये 24 जीरो देगा, यानी 124 उत्तर हो जाएगा, 124 उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इस पे कुछ बोल रहे हैं बच्चे, गुड कलर है ब्लू। अच्छा, अलग अलग कलर निकालो सर एक ही क्वेश्चंस में, इतनी चीजें नहीं आती भाई मुझे। मुझे तो जो बना के दे देते हैं मैं उस पर प्रयोग करता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या कहा है। अब मल्टी कलर आ गया, अभी तक 2 कलर का था, अब एक देखिए मल्टी कलर आ गया है, हर कलर में आपको मिलेगा, आप तो बताइए। ये लिखा हुआ है देखिए, चलिए सुन लें। देखिए भैया ये देखिए, ये लिखा हुआ हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है ना? जब भी बात आती है समझ में, देखिए प्रोडक्ट की बात आती है, तो हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 10 की घात 5 गुना 10 की घात 10, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, यानी 5 और 10 कितना हो जाते हैं? 15। यहां कोई परेशानी नहीं है। ये लिखा हुआ है 10 की घात, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 100, ये लिखा हुआ है 10 की घात 100 और ये लिखा हुआ है 10 की घात 51, तो आप जानते हैं यहां मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में अगर बात करेंगे तो मल्टीप्लाई में बात आसान होती है समझना, तो ये आ जाएगा 10 की घात 100 और प्लस 51, यानी 10 की घात हो जाएगा 151। यहां तक आपके दिमाग पर कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां आपकी ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है बेटा हटा देंगे, मैं तो देख रहा हूं अभी। देखिए देखिए कोई बात नहीं है, मल्टी कलर में नहीं है। देखिए बेटा लेकिन अगर ऐसी बात आ जाती है कहीं कि ये लिखा हुआ है 10 की घात 4 और ये लिखा हुआ है 10 की घात 2, तब आपसे कहा है लास्ट में कितने जीरो आएंगे, लास्ट में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे लास्ट में, कितने जीरो होंगे मेरे साथियों? तो इसमें नहीं कर देना आप 4 और प्लस 2 यानी 6, ये गलत है। 10 की घात 4 और ये लिखा हुआ है 10 की घात 2, भैया इनको जोड़ दो, 10 की घात 4 का मतलब हो जाता है ये और 10 की घात 2 का मतलब हो जाता है ये, तो 0 0 1 0 1, तो लास्ट में जीरो कितने हैं? तो लास्ट में जीरो हैं 2। अगर हमसे कोई कहता है कि 10 की घात 5 ये लिखा हुआ है भाई मेरे 10 की घात 7 और प्लस लिखा हुआ है 10 की घात 3,
इनको जोड़ेंगे तो 10 की घात 7 का मतलब क्या होगा, 7 0 एक दो तीन चार पांच छह सात, ये तो हो गया 10 की घात 7, ठीक है ना। अब आपने कहा 10 की घात 3 जोड़ो इसमें, तो 3 0 एक दो तीन, और ये भाई मेरे यहां इसको जोड़ देंगे, एक दो तीन एक दो तीन, और ये इतना आ जाएगा, तो लास्ट में कितनी आएगी, 3 शून्य आएंगे। लास्ट में शून्यों की कितनी है, तो 3 शून्य। भाई यहां से कुछ भी निष्कर्ष निकले तो आप निकाल लेना कि अगर हमने कहा है कि 10 की घात 5 और प्लस लिखा हुआ है 10 की घात 1, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 और 10 की घात 1 का मतलब है इतना, 0 1 0 0 0 और ये 1। मेरे भाई तो इसमें क्या है, 1 शून्य, ये क्या है, 1 शून्य। लास्ट में कितने शून्य है, तो भैया आपने कह दिया लास्ट में 1 ही शून्य है। तो मेरे साथियों अगर जोड़ने की बात आती है, अगर 10 की घात 5 और 10 की घात 1 को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे, तो स्मॉल की पावर कितनी है, 1। 10 की घात 4 10 की घात जोड़ेंगे, स्मॉल पावर कितनी है, 2, तो 2 शून्य आए हैं। 10 की घात 7 10 की घात 3 को जोड़ेंगे तो स्मॉल पावर कितनी है, 3, तो 3 शून्य आएंगे लास्ट में। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, आशा है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसी आशा करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं आशा कर सकता हूं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह देखें, भाई अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन था उस पे चलते हैं। तो मेरे साथियों आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं कि ये क्वेश्चन क्या आएगा, तो साथियों अगर आप यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 की घात कितना आ जाएगा, तो 50, और 50 कितना आएगा, 100। तो ये पहले वाला है इसका, तो 50 50, क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएंगी तो 100 हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आप यहां देखते हैं ये कितना है, तो ये मल्टीपल में है तो घातें कितनी हो जाएंगी, तो जोड़ देंगे आप घातों को, अगर मल्टीपल में है तो आपने घातों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 10 की घात कितना आ जाएगा, ये 53। यहां भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यहां भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन को मैं यहां ले आता हूं घुमा के, तीसरे क्वेश्चन को मैं यहां ले आता हूं घुमा के। देखिए साथियों ये लिखा हुआ है 10 की घात 3 और इनटू लिखा हुआ है 1000 की घात 5। भाइयों 1000 का मतलब होता है 10 की घात 3, इसका मतलब आ जाएगा 10 की घात 3 और इंटू ये कितना आएगा, 10 की घात 3 और की घात 5। भाई ये आ जाएगा 10 की घात 3 और इंटू 10 की घात 15, मतलब हो जाएगा 10 की घात 18, तो इसका आ जाएगा 10 की घात 18। लेकिन बात अब यहां से बदल रही है, यहां से आपने का बात बदल रही है कि यहां से बदल क्या रही है, बात में क्या अंतर आ रहा है, तो साथियों यहां प्लस का साइन आ गया, यहां क्या आ गया हमारे पास, प्लस। तो ये लिखा हुआ प्लस में 10 की घात 3 और ये लिखा हुआ प्लस में 10 की घात 2। तो मैंने अभी अभी बताया था कि जब प्लस का मामला आता है, जब भी प्लस का मामला आता है तो आप क्या देख रहे थे, प्लस के मामले में यानी इनका प्लस देखा तो कौन सी छोटी घात है उतने शून्य आएंगे, यहां देखा छोटी घात है उतने शून्य आएंगे, यहां देखा छोटी घात है उतने शून्य आएंगे। तो मेरे भाई यहां देखा आपने 10 की घात 3 10 की घात 3, तो कितने शून्य आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि 2 शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये लिखा हुआ है 10 की घात 64 और ये लिखा हुआ है 10 की घात 30। आपने कहा कितने शून्य होंगे भैया, तो छोटी पावर कितनी है, 30, तो ये 30 शून्य आएंगे, हाँ या ना। इसके बाद हमने देखा कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, तो ये लिखा हुआ है
10,000 की घात कितना है? तो भाई इसको लिख सकते हैं, 10,000 का मतलब होता है 10 की घात 60, 10 की घात 4, और की घात कितना है? 60 है। हाँ या ना? यानी ये 10,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 का मतलब क्या आएगा? तो 10,000 का मतलब आप जान लो कि ये 10,000 का मतलब आएगा 10 की घात 4, ठीक है ना? तो 10 की घात 4 की वैल्यू 60 हो गई। फिर आपने कहा 1,000, तो 1,000 का मतलब होता है 10 की घात 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50। मेरे साथी हो, ये आ जाएगा 10 की घात 240, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 की घात 150। आपने कहा छोटी पावर कितनी है? तो छोटी पावर आप ना रही 150 है, तो इसको जोड़ने पर लास्ट में 150 शून्य आएंगे भाई। और आप इस चीज को देख लो, थोड़ी सी नई चीज थी। किसी को किसी भी तरह की अगर परेशानी हो तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे के क्वेश्चन पे चलूं। किसी को किसी तरह की अगर परेशानी हो तो पूछ लें। सेकंड का 53 सही है, 18 किसका है? हाँ 18 भी है, तीसरे का 18 है, चौथे का 2 है, पांचवे का क्या बताया? 30, और छठवे का क्या बता दिया? 150। ये सजल जैन का आ रहा है 390। बेटा सारे जोड़ दिए क्या तूने? सारे जोड़ दिए क्या? कोई परेशानी नहीं है, सब क्लियर है। अच्छा तो हम चलते हैं, आगे बढ़ो। चलिए हमला। और भैया मामा अपने भांजों के लिए कोई वैकेंसी वैकेंसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि केवल बातें ही देने में लगा हुआ है? चलिए देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27। भैया क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही धांसू लग रहा है मुझे, इस कॉम्बिनेशन की चर्चा है मेरे भैया। ये लिखा हुआ है आपके पास फैक्टोरियल 100, और ये लिखा हुआ है आपके पास फैक्टोरियल 200। फैक्टोरियल 100 पे कई बार चर्चा हो चुकी है कि ये 10 की घात 24 देगा, लेकिन मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल जो 200 होता है उसमें जो आते हैं तो ये देता है 10 की घात 49। आपने कहा कैसे? तो आपने कहा 200 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 40, 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये, तो 200 तक 5 की संख्या 49 आती है। इस बात पर चर्चा हो चुकी होगी, मैंने आपसे कहा था कि गौर करने वाली बात यह है कि 100 में 24 आते हैं लेकिन 200 में 48 की जगह 49 आ जाते हैं, एक ज्यादा आ जाता है। वो एक ज्यादा क्यों आता है उसकी वजह मैंने आपको बताया था क्या थी। तो साथियों यहां कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 की घात 49। लेकिन आप जानते हैं कि प्लस का मामला है तो छोटी पावर कितनी है? 24। तो इसका मतलब होगा 24 शून्य आएंगे। इस संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा तो शून्यों की संख्या क्या आएगी? 24। इसको अगर मैं जोड़ूंगा, वैसे मुझे ये कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इसके बारे में भी आप पहले से जानते हैं, इसके बारे में भी आप पहले से जानते हैं। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, कि अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां आपसे कहा गया है, क्वेश्चन हमारे पास अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में आपको क्या कहा है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई हमारे पास। ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे कि ये लिखा हुआ हमारे पास 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3, और ये लिखा हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पावर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये लिखा हुआ है 10 की घात 8। भैया मेरा जब भी 10 की घात जोड़ने का वक्त, सबसे छोटी पावर कितनी है? 1, तो लास्ट में 1 शून्य आएगा।
ठीक है ना, जब भी जोड़ने का मामला आता है पावर्स, यहां जोड़ने का मामला आएगा तो आपने का जुड़ रहा है तो क्या आएगा, सबसे छोटी पावर कितनी है, एक, तो सबसे छोटी पावर है तो लास्ट में कितने शून्य होंगे, सबसे छोटी पावर के जितने, सबसे छोटी पावर एक है तो एक शून्य होगा। कविता जी का 8 आ रहा है, गलत है। सुमन का आ रहा है 0, सूर्य का आ रहा है 1, सजल का आ रहा है 1। तो भैया कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, जिनको भी गलत आया है अगर उनको लगता है कि हमें यही लग रहा है तो मैं उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम यही सोच रहे हैं या सुधार कर लिया, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए कि 29 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। साथियों इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया होगा। देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास 3 की घात कितना लिखा हुआ है, तो 3 की घात 123, 3 की घात 122 और 3 की घात 121। ठीक है साहब, ये लिखा हुआ है 2 की घात 123, 2 की घात 122 और 2 की घात कितना है 121। ठीक है मेरे साथियों, अगर आप देखा जाए कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो यहां से अगर मैंने 3 की घात 121 अगर कॉमन ले ली तो ये आ जाएगा 3 की घात 2 बचेगा, ये 3 की घात 1 बचेगा और ये 3 की घात 0 बचेगा। इसी तरीके से यहां भी मैंने 2 की घात कितना कॉमन ले लिया, तो 2 की घात 121 कॉमन ले लिया, तो 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1 और माइनस 2 की घात 0, ये इतना आएगा। कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, तो भैया ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 की घात 21 और ये लिखेगा 2 की घात 21। हाँ या ना, अगर साथियों यहां देखेंगे आप तो ये आ जाएगा 9, ये आएगा 9 माइनस के 3 माइनस का 1, यहां आप देखेंगे 4 माइनस 2 माइनस 1। तो मेरे भाई आप यहां देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास इतना, ये आ जाएगा हमारे पास इतना और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा 1। तो साथियों 5 की संख्या 1 है तो 5 1 इसमें से 2 बना लेगा तो लास्ट में 1 0 आ जाएगा। अगर 1 5 मिल गया और 2 की तो हमारे पास संख्या भरमार है, 2 की तो हमारे पास भरमार है, तो 5 कितने मिले, तो इसमें 5 हमें 1 ही मिला है। अगर हमें 5 1 ही मिला है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 5 मिला है इसका मतलब 1 0 मिलेगा। आशुतोष जी आपका गलत हो गया, सजल का भी गलत हो गया, सुमन का भी गलत हो गया, 1 0 आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए अगला क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखें ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, ज्यादा 3 5 करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आपसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 8 to the power 123 माइनस 8 to the power 122 माइनस 8 to the power 121। और क्या लिखा हुआ है भैया, तो ये 3 to the power 323, 322, 21 यहां आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 to the power 21 कॉमन ले लिया आपने, 8 to the power 3 121 कॉमन ले लिया, 8 to the power 121 कॉमन ले लिया, तो भाई मेरे ये क्या बचेगा, 8 की घात 2, 8 की घात 1 और 8 की घात 0। अगर आपने यहां
तीन की घात 321 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 3 की घात 2, 3 की घात 1 और 3 की घात 0। मेरे भाई किसी भी संख्या की अगर पावर 0 कर दें, किसी भी संख्या की पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ये लिखा हुआ 8 की घात 121 और ये लिखा हुआ 3 की घात 321। मेरे साथियों अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 64 और माइनस के 8 और माइनस के 1 तो 64 और माइनस के 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 55। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 माइनस के 3 माइनस के 1 तो 9 माइनस के 4 तो ये भी कितना आ जाएगा भाई मेरे 5। तो यानी मैंने इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई 55 और इसकी वैल्यू आ गई 9। मेरे साथियों ये लिखा हुआ 8 की घात 121 और ये लिखा हुआ 3 की घात 321। आप यहां लिख सकते हैं 5 गुना 11 और ये लिखेंगे 5 गुना 1 5। तो आपने कहा 5 की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 5 की संख्या 2 है, 1 5 ये रहा 1 5 ये रहा, तो आप इसमें से 5 की घात 2 और ये 8 की पावर इसमें 2 की तो कोई भरमार है, तो इसमें 2 शून्य आ जाएंगे क्योंकि आपने कहा कि 8 में पर्याप्त 0 भरे हुए। अगर 8 में 0 की संख्या पर्याप्त भरी हुई है तो हमने कहा 8 की घात तो ये 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 हमारे पास केवल 2 हैं, 3 को छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास केवल 2 5 हैं, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसलिए शून्यों की संख्या 2 होगी। इस बार बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है, या मैं ये कहूं कि सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है तो कोई बुराई नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए, देखिए बेटा ये क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप इस चीज को समझ लें कि इसका मतलब क्या है। आपसे कहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 विच डिवाइड 81। ये क्वेश्चन 2014 के प्री में कुछ इस तरीके से आया था, यही क्वेश्चन था, इसको लिखा था क्वेश्चन इस तरीके से आया था, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 विच डिवाइड्स 1 × 2 × 3, यानी ऐसे उल्टा लिखा था ये 50 × 49 × 48 × 47 और × 2 1। ये 2014 के प्री में आया था, 2014 SCGL प्री, SSCGL प्री। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है यानी फैक्टोरियल, ये तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे हमने बना लिया है क्योंकि यहां 81 लिखा हुआ है, 81 की जगह ये 50 आया था, 81 हमने पूछ लिया। ठीक है मेरे साथियों, तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इसकी कहानी को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, मैंने कहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच डिवाइड्स फैक्टोरियल 10। चलिए आप सबके लिए है ये क्वेश्चन, विच डिवाइड फैक्टोरियल, ये सबके लिए क्वेश्चन है। चलिए कौन कर रहा है सबसे पहले, यानी 2 की अधिकतम घातांक बताएं, 2 की अधिकतम घात बताएं जो इसे डिवाइड करेगी, जो इसे डिवाइड करेगी। भाइयों इसका मतलब ये होता है जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास मान लीजिए 60, तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम किस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है।
तो आपने कहा इसके फैक्टर देख लो आप, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, फिर 13, 14, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20 है। अब आपने कहा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है। अब इसके बाद नहीं होगा। तो आपने कहा है कि देखिए ये कितनी संख्याओं से, तो इन सारी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिकतम कौन सी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है, तो आपने कहा अधिकतम ये संख्या है वो क्या है कि 60 को डिवाइड करने वाली अधिकतम संख्या, और 60 भी है। ऐसा है, 60 भी तो एक फैक्टर है इसका, 60 भी इसका एक फैक्टर है। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 और ये 9 और ये 10। बात 2 की हो रही है, तो इसमें से ये इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपने कहा अगर 1 2 होता तो ये कट जाता, अगर 1 2 2 बार 2 होते तो ये इससे डिवाइड हो जाता, अगर एक बार और होते तो ये और ये इसको कैंसिल कर देता, अगर यहां 2 की घात 3 होती तो ये कैंसिल हो जाता, यहां 2 की घात 1 होती तो ये कैंसिल हो जाता। तो मेरे भाई आप यहां देखेंगे कि कितने 2 हो गए, तो आपने कहा कि ये 2 की घात 1, फिर ये 2, फिर ये 1, और फिर ये 3, और फिर ये 1। भाई अगर मैं कह सकता हूं तो इसमें 2 की पावर कितनी आ जाएगी, तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, यानी हम कह सकते हैं कि 2 की घात 8। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो 2 की घात 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपने कहा क्यों हो जाएगी भैया, ये 2 की घात 8 से क्यों विभाजित हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो फैक्टर ऑफ टू कितने हैं, तो आपने कहा 1 यहां है, आपने कहा 2 यहां है, आपने कहा 1 यहां है, आपने कहा 3 यहां है, और आपने कहा 1 यहां है। यानी इसमें 1 2 है, इसमें 2 बार 2 का फैक्टर है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार 2 का फैक्टर है, और इसमें 1 बार है। मेरे भाई ये 3 और 3 6, 6 और 2 8, कुल मिलाकर हमारे पास फैक्टर ऑफ 8 कितने आ गए, ये फैक्टर ऑफ 2 8 आ गए। अगर मैं डायरेक्ट देखता फैक्टर ऑफ 2, यानी मैं देखता फैक्टर ऑफ 2, तो सीधे सीधे आप 10 को 2 से भाग दे देते भैया। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अगर 10 को 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से फिर इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ये 8 आ गए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, इसका मतलब ये कहा जा सकता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ 2 के फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2। यानी इस गुणनफल में 2 कितने बार यूज हुआ है, तो इस गुणनफल में दो 8 बार यूज हुआ है, इस गुणनफल में 2 8 बार यूज हुआ है। मेरे भाई अगर आपसे कहा जाता है कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 81, तो आपने कहा इसमें 7 कितने बार यूज हुआ होगा, तो आप देखेंगे कि ये 7 × 1 7, फिर कितना बचेगा, 1 और 7 × 1 7, और ये हम यहां देखेंगे 7 × 1 7, फिर कितना बचेगा, 4। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7 कितनी है हमारे पास, तो ये आ जाएंगे 11, यानी 1 12, 11 और 1 कितनी आ जाएंगे, 12। तो यानी ये आ जाएंगे हमारे पास 12, यानी उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 12। यानी आपने यहाँ कौन कौन सी संख्या मिलेंगी, तो 7 मिलेगी, 14 मिलेगी, 21 मिलेगी, 28 मिलेगी, 35 मिलेगी, 42 मिलेगी, 49 मिलेगी, 56 मिलेगी, 63 मिलेगी, 70 मिलेगी, 77 मिलेगी और 84 मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13 होने चाहिए क्योंकि 2 बार 7 यहां मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ, 10, 11, 12, फिर तो 13 आना चाहिए। 7 गुना 1 7, फिर बचेगा हमारे पास कितना? फिर बचेगा 7 गुना 1 7, तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 81 तक है ना बेटा, 84 नहीं है इसमें, 84 नहीं है। तो आपने कहा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें 49 में 2 बार मिलता है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 12, ठीक है ना, ये आ जाएंगे 12। तो हमें ऐसे नहीं देखना होगा, हमें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, कि डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7 कितने आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें 7 की घात 12 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, यानी ये जो डिजिट है वो 7 की घात 12 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, ये जो संख्या है वो 7 की घात 12 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आप कह दें तो बढ़ जाएं, अगर आप कह दें ऑप्शन नहीं है 12, ये रहा, ये है 12। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, ये देखिए, ये लिखा हुआ हमारे पास कि 84 की अधिकतम घात क्या होगी, कि ये इसको इसको डिवाइड कर दे। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन अभी नहीं। आपने कहा इसके बाद अगर मैं 33 को देखता हूं तो ये कितना है, तो आपने कहा कि ये 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और अगर मैं तीसरे को देखता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 33 को अगर मैं देखूं 4 को, तो ये क्या है, तो ये 12 है। तो भाई मैं पहले 33 को क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले 33 को, उसके बाद में किसी और को कराऊंगा। भाई ये दो क्वेश्चन मैंने दुबका के रख दिए, दुबकाने का मतलब छिपा के रख दिए, ठीक है साथियों। पहले मैं बता रहा हूं, चलिए साथियों, पहले मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 33 को, इसको डिवाइड, ये क्या है कि इसको करना थोड़ा सा आसान था, इसलिए मैंने इसको पहले चुना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। इसलिए हमारा क्या है, पहले हम कमजोर पे वार करते हैं, क्योंकि तो वहां आसान होता है। जैसे हमने क्या है कि हमारे हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी हरकत की तो हमने उसके घर में घुस के मुंह और तोड़ जवाब दोनों दे दिए, मुंह भी तोड़ दिया और जवाब भी दे दिया। वही बात क्या है कि चाइना के साथ हुई तो हमने वैसा नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना के साथ अगर मुंह और तोड़ दोनों जवाब देते तो नुकसान हमारा भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने में हमारा नुकसान कुछ नहीं था, कि पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, केवल भोंक सकता है, ऐसा था। चाइना को हमने हल्के में नहीं लिया, क्योंकि अगर उसके अगर हम स्ट्राइक करते तो बातें कुछ अलग हो सकती थी। तो समझदारी यानी कमजोर था, तो ये क्वेश्चन मुझे कमजोर लगा, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने यहां डिवाइड किया। भाई मेरे पास लिखा हुआ है ये, भाई अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है कि ये 10 और 10 की घात, ये लिखा हुआ है 57 लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ, मैंने कहा 10 ये कितने से काटा जा सकता है, तो आपने कहा 10 की घात 4 से काटा जा सकता है, 4 0 4 0, हाँ या ना। अगर ऊपर जितनी भी जीरो लिखी हुई है, आपने कहा ये लिखा हुआ है 10 20, और ये लिखा हुआ है 30, और ये लिखा हुआ है 40, तो आपने कहा 10 की घात कितने से डिवाइड किया जा सकता है, तो 1, आपने कहा ये 2, आपने कहा ये 3, और ये 10 की घात 4, तो भाई मेरे ये 10 की घात 4 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। अगर आपसे कोई कहता है 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40, और आपसे कहा है कि 10 की अधिकतम कितनी घात से डिवाइड किया जा सकता है, तो मेरा उत्तर होगा 10 की घात 40 से, 10 की घात 4 से, ठीक है मेरे साथियों। अगर बात अगर यहां से है तो हमें यह देखना है कि यह लिखा हुआ है 157 फैक्टोरियल 157 और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n, तो मैं चाहता हूं कि n की घात कितनी अधिकतम हो सकती है, एन की घात अधिकतम क्या हो सकती है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर ले। तो भैया ये फैक्टोरियल इतना है 57, तो मैं सोच रहा हूं कि इसमें इतने कितने होंगे, तो आपने कहा ये फैक्टोरियल 157 है,
इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भाई तेरा क्या हाल है, हाल क्या है जनाब का। ये देखिए तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 1 5, और 5 गुना 6 30, और 5 गुना 1 5। मेरे साथियों अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा? 38। यानी इसका मतलब ये है कि यहां जो भी संख्या आए, ए बी सी डी, यहां कोई भी संख्या आए मैं नहीं जानता, लेकिन यहां 10 की घात 38 आएगा। और इसका मतलब ये है कि 10 की घात 38 है तो ये 10 की घात 38 नीचे भी होंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो एन की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी? 38। जो भी बच्चा है जिसको भी कुछ भी परेशानी है तो वो जल्द से जल्द मुझे पूछ लो। आपने कहा ये क्या आएगा? अरे भैया ये दुनिया जहान जो भी आ गया, ऐसा तो है नहीं इसका मल्टीप्लाई करें केवल 10 की घात 38 ही है, और भी कुछ आएगा कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट ये है, हमने कहा इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 10 की। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है, हमें इसके 10 की घात के रूप में अगर बदलेंगे तो 10 की घात 38 और इंटू समथिंग। तो हमने कहा 10 की घात 38 से, 10 की घात 38 को 10 की घात 38 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। कंफ्यूजन कर रहा है? क्या कंफ्यूजन है भाई, जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पर चला जाऊंगा, ये छूट जाएगा। नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। आप पूछिए कि क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है। आप बताएंगे कि क्या कन्फ्यूजन है, अगर आप बताएंगे तो मैं चीजों को समझा दूंगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, बाद में इसमें चर्चा कर लेंगे जो भी है। मैंने आपके लिए घर के लिए 2 3 क्वेश्चन दिए हैं और कल मैं आपसे इनको पूछूंगा। ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर n। तो वही है, अगर ये डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। तो आपसे कहा n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी n की जो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है मेरे भाई, अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 25 और बटे 15 की घात n, तो यहां मैंने फिर कह दिया कि यहां भी n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, n मैक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कल के लिए दे रहा हूं। फिर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा होगा हमारे पास 24, फैक्टोरियल 24 और डिवाइडेड 2 टू द पावर n, अगर ये डिवाइड करता है तो फिर आपसे कहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। ये आपका होमवर्क है। अगर मैंने कहा कि ये लिखा होगा हमारे पास 30, फैक्टोरियल 30 और बटे 18, और आपसे कहा है कि यहां भी n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज एक ही है, मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन पर ट्राई करें, गलत हो जाए अच्छा है, सही हो जाए और अच्छा है, लेकिन आप ट्राई करके आना। ठीक है साथियों, कोई समझ में नहीं आई बात तो मैं कल इसको दोबारा से स्टार्ट करूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कल मिलते हैं, बाय।